Devrasya Mahirte Sahara Vinayakam Guram Pana Brahma Vishnu Mahesha
नमः गणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ॐ उमा महेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ सती कुंडलाभ्यां नमः ॐ मातृपिते जमकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ ऋद्धि बुद्धि सहिताये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायस्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुस्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुस्तु
का छिलका दे दिया। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वश होकर के माता बहन भाइयों विदुरानी के हाथ केले के छिलके खा रहे हैं। इतने में विदुर जी महाराज आए, आकर के देखा कि विदुरानी एक विदुरानी गोविंद आने वाले हैं कि आने वाले नहीं, वो तो आ गए। आने वाले नहीं वो तो आ गए कि कहा कि ये देखो, देखा तो भगवान उल्टी चौकी पर बैठे हैं। विदुर जी ने कहा कि देख, तेरे को दिखाई नहीं देता, उल्टी चौकी पे गोविंद को बिठाया है। अब विदुर जी महाराज भगवान को प्रेम से केले खिलाने लगे। विदुर जी महाराज भगवान को प्रेम से केले खिलाने लगे और केले खिलाने के बाद भगवान ने केले खिलाने के बाद भगवान विदुर जी महाराज से बात करते हैं और विदुर जी ने भगवान से पूछा कि केशव आपको ये फल कैसे लगे। भगवान ने उंगली हिला दी, भगवान ने उंगली हिला दी कि मुझे जो स्वाद विदुर जी महाराज विदुरानी चाची के छिलकों में आया था, वो स्वाद इन केले की बिलियों में मुझे नहीं आ रहा है। विदुर जी महाराज गदगद हो गए कि वह कन्हैया तेरी महिमा अपरंपार है, तू प्रेम के वश में होकर के छिलके खाकर भी खुश है। भावग्राही जनार्दना, इसलिए माता बहन भाइयों इस कथा से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान प्रेम के वश में है। आज भी अगर भगवान से कोई प्रेम करता है तो आज भी भगवान आने के लिए तैयार है। ऐसे ही भगवान की एक भक्त हुई है मीराबाई, भगवान की भक्त हुई है मीराबाई। सब लोगों ने मीराबाई का नाम सुना है, आज भी गोविंद के साथ कि मीरा का श्याम, आज भी मीरा का नाम अमर है कि नहीं, बोलो हाँ नारायण, राम राम नारायण नारायण बोलते राज में। नारायण नाम है भगवान का, क्योंकि आप तैयारी करेंगे फिर ही जाते समय मुख से भगवान का नाम निकलेगा, नहीं तो राम राम नारायण नारायण नहीं निकलेगा। इसलिए माताओं बहनों भाई बुजुर्गों जब भी समय मिले चलते फिरते परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए, बोलो नारायण 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 नारायण। तो मीराबाई भगवान की इतनी बड़ी भगत थी, इतनी बड़ी भगत थी कि मीराबाई एक दिन अपनी माँ के साथ छत पे खड़ी हुई थी। ध्यान से सुनना, मीराबाई की बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को कोई सुनता है तो भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होती है। मीराबाई अपनी माँ के साथ दरवाजे पे खड़ी है, छत पे खड़ी है और इधर से किसी की बारात आ रही है। मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि मैया ये क्या है, तो मीराबाई की माँ ने कह दिया बेटा ये बारात है और ये जो घोड़ी पे बैठा है ये दूल्हा है। छोटी बच्ची थी मीराबाई और मीराबाई ने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरा दूल्हा कहाँ है, तो मीराबाई की माँ ने बच्ची को समझाने के लिए वैसे ही कह दिया बैठ जाओ मीराबाई, वैसे ही कह दिया
बेटा तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है कौन है गिरधर गोपाल कि तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है अब मीरा बाई के मन में बैठ गया कि मेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है अब मेरा गोपाल की मूर्ति को देख के सेवा करती हैं जब भोजन करती हैं तो भी गोपाल को भोजन करवाती हैं जल भी ग्रहण करती हैं तो भगवान को दिखा करके जल ग्रहण करती है अब ऐसे करती करती मीरा बाई बड़ी हो गई और घर वालों ने सोचा कि मीरा अब बड़ी हो गई है मीरा की शादी करनी चाहिए मीरा की शादी करनी चाहिए तो मीरा ने कहा कि मेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है मैं तो उसके साथ शादी करवाऊंगी घर वालों ने मीराबाई की शादी राणा जी के साथ कर दी और जैसे ही मीराबाई अपने ससुराल में गई तो गोपाल को नहीं छोड़ा भगवान की भक्ति ससुराल में भी करती है थोड़े दिन तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि नई दुल्हन है राणा ने एक दिन मीरा को समझाया कि मीरा तू इतने बड़े घराने की राजरानी है तू क्यों भगवा वेश धारण करती है क्यों जोगियों वाला वेश पहनती है सुंदर सुंदर वस्त्र पहन साड़ी पहन मीरा ने मना कर दिया कि ना तो मैं भगवा वस्त्र छोड़ूंगी और ना मैं गिरधर को छोड़ूंगी बहुत समझाया लेकिन मीरा बाई कुछ नहीं ध्यान देती राणा ने षड्यंत्र रचा कि ऐसे तो हमारी बदनामी होगी एक दासी को बोला मीरा बाई का नियम था भगवान का चरणामृत लेने के बाद अन्न और जल ग्रहण करती थी एक जहर का कटोरा मंगवाया और जहर का कटोरा दासी के हाथ भेजा और मीरा बाई के कक्ष में भेजा कि जाओ दासी मीरा को बोलो कि राणा ने तुम्हारे लिए अमृत मंगवाया है Thank you.
इस प्रकार की कामना करते हुए हाथ जोड़ दिल को स्मरण करोगी आप ध्यान करोगी इनका ओम नमो शिवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः या मूली लोग और थोड़ा थोड़ा जितने गाँव का मूर्ति का माँ लगा ओम गीतम गीता पावन है पिबतम बसा बसा पावन है पिबतांत है विदसी स्वाहा दिश है प्रदिश आदिशो विदिशो उदिशो दिव्य है स्वाहा Oh my God.